आज के इस वीडियो में बात न्यूज 24 के वरिष्ठ पत्रकार संदीप चौधरी की करेंगे और उनकी कुछ ऐसी डिबेट्स देखेंगे जिनमें उन्होंने महंगाई, बेरोजगारी और किसान से जुड़े मुद्दों पर भाजपा प्रवक्ता से तीखे सवाल किए जो शायद ही गोदी मीडिया के किसी चैनल पर देखने को मिलते हों। न्यूज 24 पर पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर डिबेट हुई। इस डिबेट में पहले तो संदीप ने भाजपा प्रवक्ता से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतों के कम होने पर देश में कीमतों पर कुछ फर्क ना पड़ने को लेकर सवाल किया, जिस पर नेता ने पिछली सरकार की गलती निकाली। इस पर एंकर ने नेता को टोक दिया। अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें 13 से 14 डॉलर कम हो गई तो यहाँ तो तेल की कीमतें कम होनी चाहिए थी कि नहीं? बिल्कुल, 15 दिन का गैप होता है, 15 दिन के हिसाब से पीरियोडिकली जो प्राइस रिवाइज करती है कंपनी। 43 दिन में 41 बार पेट्रोल के दाम बढ़े, तो वो 15 दिन का फॉर्मूला तब कहाँ गया? जो यूपीए सरकार के समय से ये नीति आई थी कि वह इंडिपेंडेंट प्राइसिंग होगी, वह कंपनी अपनी इंडिपेंडेंट प्राइसिंग तो डायनामिक है ना, रोज सुबह दाम बढ़ते हमें दिखे। इसके आगे संदीप ने पेट्रोल कीमतों में कोई राहत ना मिलने पर भी सवाल किया, जिस पर प्रवक्ता राज्य सरकार और वेट का जिक्र करने लगे, पर राहत कब मिलेगी इस पर जवाब नहीं दिया। जब 75 पार गया कच्चे तेल की कीमत, तो 11.44 रुपए बढ़ गए पेट्रोल के दाम हमने दिए, अब ये दोबारा 11 डॉलर नहीं 13 से 14 डॉलर ये दाम घट गए, तो सीधा गणित बनता है ना, तो फिर तो 11.5 रुपए घट जाने चाहिए थे। आप अगर इकोनॉमिस्ट की तरह बात करेंगे तो देश की अर्थव्यवस्था चलाने के लिए सरकारों को, कंपनियों को, सबको पैसा चाहिए, तो लूट रहे हैं आम आदमी को। न्यूज 24 पर एलपीजी सिलेंडर के दामों में वृद्धि के मुद्दे पर भी डिबेट हुई। इस डिबेट में संदीप चौधरी ने पहले दामों में वृद्धि और आम आदमी को कोई राहत ना देने पर सवाल किया, जिस पर प्रवक्ता इकोनॉमी की बात करने लगे। तो जफर इस्लाम, पहले तेल की मार, अब गैस की मार, आम आदमी का बजट तो डब्बा गोल हो रहा है, गलत तो नहीं कह रहा? महंगाई को जो मापने का तरीका है वो सीपीआई इंडेक्स में है। अगर आप देखिए इस बार का जो सीपीआई इंडेक्स आया है उसके आंकड़े जो है पिछले दाम से बेहतर है, और आगे आने वाले जो फोरकास्ट हैं वो भी बता रहे हैं कि बेहतर है। चाहे आप पल्सेस के रेट देखिए, चाहे आप वेजिटेबल प्राइसेस में देखिए, सब में जो है वो इन्फ्लेशन जो है वो उस जो पिछले महीने के जो रेट थे और अभी लेटेस्ट वो बेहतर हुए हैं। इसके बाद संदीप ने भाजपा प्रवक्ता से आम आदमी को राहत कब मिलेगी इस पर सवाल पूछे, जिस पर प्रवक्ता कोरोना और लॉकडाउन की बात करने लगे, पर एंकर ने उन्हें अपने सवालों में घेर लिया। आप मुझे ये बताइए, 1 दिसंबर को 594 रुपए था गैस का सिलेंडर, आज 859.50 रुपए मुंबई और दिल्ली के दाम बता रहा हूँ, कलकत्ता में 886 रुपए, लगभग 46% का इजाफा। आप कहेंगे महंगाई काबू में आ गई। ऐसा जो सिचुएशन आया इसके लॉकडाउन की वजह से, बीमारी की वजह से, डिसरप्शन के लिए सप्लाई चेन में इंपैक्ट होने की वजह से, उसकी वजह से टेम्पररी जो है प्रेशर आया है। न्यूज 24 पर किसान आंदोलन के मुद्दे पर डिबेट हुई। इस डिबेट में संदीप ने पहले संसद में किसानों के मुद्दे पर चर्चा ना होने को लेकर सवाल किया, जिस पर प्रवक्ता विपक्ष पर सवाल उठाने लगे, पर एंकर ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। देखिए 25 अगस्त से लखनऊ में किसानों के साथ बड़ी बैठक, 5 से 10 सितंबर मेरठ में किसान सम्मेलन, अब आप 104 विधानसभाओं में जाएंगे, किसानों को समझाएंगे, जो आंदोलन कर रहे हैं उनके साथ बातचीत नहीं हो रही। हमारी पार्टी का भी किसान मोर्चा है, हमारी पार्टी का जो किसान मोर्चा है वो भी बातचीत लगातार विषयों पर, बिंदुओं पर किसानों से बातचीत करता है, और वो किसान मोर्चा वो काम कर रहे हैं, अपनी जगह चुनाव आ रहे हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं। आगे इस डिबेट में संदीप ने सरकार द्वारा किसानों की आय दुगनी करने पर भी सवाल किया, जिस पर नेता सरकार की तारीफ करने लगे, पर एंकर ने उन्हें अपने सवालों में घेर लिया। मतलब किसान के खाते में क्या आ रहा है बाबा जी का ठुल्लू? 18,900 रुपए आते हैं, वो भी देर से आते हैं, उससे ज्यादा तो उसके लग जाते हैं। आप कह रहे हैं दोगुनी कर देंगे किसान की आय, मुझे ये गणित समझाइए जरा। आके आए इतने खड्डे गांडे खड़े हो रखे हैं हमारे खेत में। जी 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 जी। हाँ, अगर ऐसा, आज मैं गांव से ही आ रहा हूँ, अपने खेत से आ रहा हूँ। बहुत धन्यवाद सर। हाँ। मैं चाहूंगा मैं आ जाता हूँ और पिताजी के साथ बैठकर आपके साथ एक पूरा बही खाता बना दूंगा और समझ लगे कि कैसे। तो बही खाते में मतलब किसानों का बड़ा भला हो रहा है। न्यूज 24 पर जाति और आरक्षण के मुद्दे पर डिबेट में एंकर ने सरकार का पक्ष जानने के लिए भाजपा प्रवक्ता से सवाल किया। भाजपा प्रवक्ता सरकार की तारीफ करने लगी, पर एंकर ने भाजपा प्रवक्ता को ओबीसी वर्ग को सरकारी नौकरी ना देने के मुद्दे पर सवाल किया तो भाजपा प्रवक्ता सही से जवाब न दे पाए। गोपीनाथ मुंडे वो क्या कहते थे कि हम ओबीसी की जनगणना अगर नहीं करेंगे तो ओबीसी को सामाजिक न्याय देने के लिए और 10 साल लग जाएंगे। अब 10 क्या 20 साल लगवा देंगे आप? क्यों नहीं करवा रही सरकार कास्ट सेंसस? अब राज्यों को
केंद्र की परमिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। सभी राज्यों के पास ये स्वतंत्रता है, फ्रीडम है कि वो अपने अनुसार एक ओबीसी। वो 2018 से पहले थी कि नहीं वो आजादी? तीखे सवाल होते देख भाजपा प्रवक्ता ने संदीप चौधरी की पत्रकारिता पर सवाल करने शुरू कर दिए। आरटीआई लगी 40 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं देश में, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज। प्रोफेसर्स ओबीसी कास्ट से जीरो, शून्य। एसोसिएट प्रोफेसर जीरो, शून्य। जी अब बताइए, आप पहले ये बताइए कि ओबीसी बिल जो सरकार ने पारित किया, आप क्या सरकार को मुबारकबाद देते हैं? सरकार को मुबारकबाद अगर पत्रकार देने लगे, उन्होंने पत्रकारिता का धर्म छोड़ दिया, मेरा सीधा मानना है। पत्रकारिता का धर्म है सच्चाई बताना। सच्चाई बताते हैं, बताया नहीं। आपको संदीप की डिबेट्स और सवाल कितने सही लगे आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। पंजाब टुडे रिपोर्ट। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज़ प्लीज क्लिक द बेल आइकन।